बहुत जोरों से बारिश हो रही है, ये देख। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं आया हूँ यहाँ पे वेस्ट पंजाबी बाग में गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे है मेरी बेटी का एग्ज़ाम, तो अभी वो एग्ज़ाम देने अंदर गई है। अभी 10 बजे से एग्ज़ाम होगा उसका और 12 बजे के करीब छूटेगा, तो मेरे को थोड़ा 1-2 घंटे वेट करना, उसको लेके जाना साथ में। तो अभी मैं यहाँ पे एक पार्क में आया था, यहाँ पे अच्छा पार्क है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ब्लॉग बना लेते हैं थोड़ा, तो अभी दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए पार्क कुछ इस तरह से, यहाँ पे बाहर मेट्रो की लाइन है यहाँ पे, ये ऊपर, और ये देखिए पार्क, अच्छे हरे हरे प्लांट है यहाँ पे। आजकल बरसातों में सब हरियाली हरियाली हो जाती है, ये देखिए इधर से, और यहाँ पे है ये गेट। और अभी तक दोस्तों मौसम अच्छा है, मतलब बादल लगे हुए हैं, और ये देखिए हल्की हल्की सी बादल छटे हुए कहीं पे लगे हुए हैं, लेकिन धूप नहीं है, उमस हो रही है। सुबह बारिश भी आई थी, तो अभी तो ठीक है मौसम, बारिश नहीं है लेकिन धूप भी नहीं है, बट आपको पता ही है बरसातों में उमस हो जाती है। तो दोस्तों ना पीने के लिए पानी ढूंढ रहा था, लेकिन 500 मीटर इधर 500 मीटर इधर तक देख आया, कहीं दुकान नहीं है, सारी कोठियाँ ही कोठियाँ हैं, है ना। तो पानी तो अब मेरे को मार्केट में ही जाना पड़ेगा लग रहा पानी लेने के लिए। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अब वहीं जाता हूँ, वहीं मिलेगा। तो ऐसे ना वीडियो बनाते हुए भी डर लग रहा है, कहीं पता चला कि कोई फ़ोन लेके उड़न छू ना हो जाए। तो आजकल ये भी डर है, दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसे हादसे हो चुके हैं ना कि फ़ोन छीन के भाग गए हैं। तो यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हर जगह में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। यहाँ पे ना कुछ भी दुकानें नहीं है, देखो इस तरह की हैं, ये होटल है यहाँ पे कोने पे, और इधर की तरफ पीछे की तरफ कोठियाँ थी सारी की सारी। तो यहाँ पे ना वीडियो भी नहीं बना सकते, बाहर थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि सारी कोठी वाले एरिया हैं और बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। वहाँ पे जो होता है ना बाउंसर खड़े हो रखे हैं, पुलिस के कमांडोज वगैरह तक खड़े हो रखे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ना कोई सूट वगैरह नहीं कर रहा, तो थोड़ा मार्केट चलते हैं, अभी मार्केट में आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसा है, और पानी भी वहाँ पे ले लेंगे। और ये सामने ही ना पंजाबी बाग क्लब है, बहुत मशहूर क्लब है, बहुत पुराना क्लब है, तो अभी दिखाता हूँ आपको क्लब बाहर से। और ये सामने बिल्कुल जो दिख रहा है ये बोर्ड पंजाबी बाग क्लब का है, ये बहुत पुराना क्लब है, हम काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, देखा भी है पहले लेकिन अंदर जाके नहीं देखा कभी, अंदर मेरे ख्याल से अलाउड भी नहीं होगा। ये देखिए ये है क्लब का गेट। तो दोस्तों फाइनली पानी की बोतल भी मिल गई है, और अभी बस घूम रहा था मैं यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ, अभी 10:30 का टाइम हो गया है और अभी 1.5 घंटे के करीब और मेरे को यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी जगह यहाँ पे पार्क भी है, एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो। मैंने ना पेट्रोल डलवाए यहाँ पे, तो जैसे ही मैं टैंक खोल के गाड़ी से उतरा, तो उस बंदे ने क्या करा कि मैं बाहर निकलते निकलते स्टार्ट कर दिया था पेट्रोल डालना, और 150 का पेट्रोल डाल भी दिया था जब जितनी देर में मैं बाहर निकला था। तो मैंने कहा भाई आपने मुझे जीरो क्यों नहीं दिखाई, तो कहते नहीं जीरो से ही स्टार्ट होता। मैंने कहा लेकिन आपकी ड्यूटी ना मुझे दिखाना कि देखो जीरो है, अब आपका पेट्रोल शुरू हो रहा है ना। तो बस वही पंगा हो गया वहाँ पर मेरा, मैंने मैनेजर को बुलाया, तो बस उसके बाद फिर उसने मुझे 150 रुपये का और एक्स्ट्रा पेट्रोल दिलाया फिर। तो इस तरह से ये लोग धांधलेबाजी करते हैं पेट्रोल पंप पे।
मौसम भी अच्छा हो गया, बादल लग गए, अभी कोई 11:30 का वक्त हो गया, बस 15-10 मिनट मेरे को वहाँ जाने में लगेंगे, तो तब तक वो बाहर आ जाएगी, 12 बजे उसका पेपर ख़त्म है, तो 10-15 मिनट वहाँ पे वेट कर लेंगे, तो अभी चलता हूँ फिर। ये देखिए बीकानेर वाले की कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक कोई कट नहीं है, तो इस वजह देखो कट होती है तो जाम भी बहुत लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों अभी आ गई लड़की अभी, और चलते हैं अभी घर वापस। दोस्तों अब पहुंच गए अभी घर पे, और 1 घंटा लगा अभी सीधा घर आने में, 1:02 सीधा घर के अंदर आ गए हम, तो अभी इतना ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन कहीं कहीं पे बारिश हो रही थी, रोड के इस तरफ बारिश हो रही, रोड के उस तरफ बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा था बाहर। तो बाहर निकलो आप 5-10 मिनट के लिए भी निकलो ना, तो इतना पसीना हो जाता ना क्या बताएं बस आपको, है ना। तो अभी फ्रेश हो लेते हैं, पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों 3 बज गए अभी, देखो बारिश का मौसम शुरू हो गया है, है ना, और अच्छा है थोड़ा बारिश आ जाए तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा जो उमस हो रही है ना थोड़ी सी देर के लिए राहत मिल जाएगी हमारे को। देखिए घने बादल आ गए बिल्कुल काले वाले। बारिश शुरू हो गई है और बहुत अच्छा मौसम बन गया है, एक बारी आपको दिखाता हूँ मैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी यहाँ पे, देखो बहुत जोरों से बारिश हो रही है, ये देखिए। ये दिख रहा होगा आपको, तक कभी इतनी तेज़ बारिश हुई नहीं अभी यहाँ पे इस सीज़न में, बूंदाबांदी हो रही थी और बारिश निकल जा रही थी, आज ये देखो एकदम मौसम ही बदल गया पूरा। और अभी बजे हैं 6:10 हुई है, ये देखिए बादल उड़ रहे हैं अभी, इधर की तरफ भी देखो, बहुत जबरदस्त बादल लगे हुए हैं, 6-7 दिन दिल्ली में बारिश बताई हुई है, तो देखो अगर इस तरह से बादल लगे रहे तो वो आएगी आएगी बारिश। और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है अभी।